राजस्थान के बारा कैलबाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। भील आदिवासी समाज ने दशहरा मैदान से सीतावाड़ी पैदल निकाली रैली। कलवार को सीतावाड़ी स्थित रंगमंच पर आदिवासी भील समाज की ओर से किया गया कार्यक्रम आयोजित, जिसकी अध्यक्षता मुन्ना भगत जी ने की। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के अन्य जिलों से भील आदिवासी समाज के लोगों ने लिया भाग। राजस्थान के बाराअटरू थाना क्षेत्र के दैंगनी गांव स्थित पार्वती नदी की पुलिया पार करते समय बहे आगरा के युवक के शव को एनडीआरएफ टीम ने दोपहर 3 बजे ढूंढ निकाला। थाना हेड ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिया से बहे युवक की लाश लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर मिली, जिसे पोस्टमार्टम के लिए अटरू राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। मृतक के परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव को सुपुर्द किया गया। बलरामपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर विकास खंड पचपेड़वा के विशुनपुर विश्राम में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने किया प्रतिभाग। कहा कि थारू जनजाति के लोग शिक्षा के प्रति हो रहे जागरूक। जिलाधिकारी ने किया इमलिया कोडर में थारू जनजाति छात्रावास, निर्माणाधीन थारू जनजाति संग्रहालय का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजस्थान के बारा शाहबाद में आवासीय विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। शहरीय विकास परियोजना द्वारा मंगलवार को राजकीय जनजाति कन्या आवासीय विद्यालय खुशियारा में धूमधाम से आदिवासी दिवस महोत्सव मनाया गया। लखीमपुर में ताजियादारों के लिए नई मुसीबत, करबला में हुआ भारी जलभराव। कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ दबंगों ने कर रखा है अवैध कब्जा, कैसे दफन होंगे ताजिये। वहीं रपटा पुल पर तेज बहाव के चलते सिंघनिया व बनवारीपुर दर्जनों गांव से आते हैं ताजिये, लोगों को हो रही दिक्कत, प्रशासन ने भी नहीं की कोई इंतजाम। बलरामपुर नगर में पुलिस प्रशासन की देखरेख में शांति का माहौल रहा। लोगों ने मुहर्रम ताजिये के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जगह जगह पर पानी का स्टॉल लगाया गया। नगर के भिन्न चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा, शांति का माहौल बरकरार रहा। बलरामपुर में 2 साल बाद निकला मुहर्रम का जुलूस, मातम मनाकर करबला में सुपुर्द खाक हुए ताजिये। नगर में रहा रूट डायवर्जन, मुस्लिम के साथ हिंदू भी भारी संख्या में ताजिये उठाते हुए आए नजर। जुलूस के मद्देनजर प्रशासन ने की पूरी तैयारियां। बरेली में निकाली विशाल तिरंगा यात्रा, धूमधाम से हुआ तिरंगा यात्रा का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा एक भव्य विशाल तिरंगा यात्रा का किया गया आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में एक भव्य विशाल तिरंगा यात्रा के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राज बहादुर पाठक, सांसद संतोष गंगवार रहे। बरेली में राष्ट्र जागरण युवा संगठन ने नाथ नगरी परिक्रमा पर किया जलाभिषेक। संगठन द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम के साथ सप्तनाथ परिक्रमा बाबा मणिनाथ मंदिर से अलकनाथ मंदिर, प्रवटीनाथ मंदिर होते हुए बनखंडी नाथ मंदिर पहुंची, जहां परिक्रमा का भव्य स्वागत हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज विधानसभा मेजा के माड़ा ब्लॉक के ग्राम सभा कनेवरा में ताजिया ले जाते समय बिजली के तार छूट जाने पर ताजिया में करंट उतर गया, जिससे करीब 1 दर्जन लोग बुरी तरह झुलस गए। सपा नेता प्रमिल यादव, जिला पंचायत सदस्य मौके पर हॉस्पिटल पहुंचकर पीड़ित से मिलकर कुशल क्षेम व पीड़ित को सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने की उच्च अधिकारियों से बात की। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।